हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन हीट एंड मास ट्रांसफ़र। और आज अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हीट कंडक्शन इन अ हॉलो स्फीयर, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे हीट फ्लो रेट थ्रू द हॉलो स्फीयर और टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट कंडक्शन इन अ हॉलो स्फीयर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस छोटी सी ज्योमेट्री को हमें समझना है। हमने एक स्फीयर कंसिडर किया है, इसमें R1 और R2 जो है वो इनर और आउटर रेडियाई है। R1 क्या है? आपकी इनर रेडियाई ऑफ द स्फीयर, और R2 क्या है? आपकी आउटर रेडियाई ऑफ द स्फीयर। और अंदर से क्या है ये? ये यहाँ पर आपका फ्लूड भरा हुआ है, मान लेते हैं कि हॉट फ्लूड है, और हॉट फ्लूड से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो बाहर की तरफ हो रही है। आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि जो टेनिस बॉल होती है बिल्कुल उसी टाइप का ये स्फीयर है, और वो है अंदर से, और अंदर के जो हॉलो पोर्शन में आपका हॉट फ्लूड एक भरा हुआ है और बाहर आपका एनवायरनमेंट है। और इन शॉर्ट क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ हो रही है। और जिस मटेरियल का ये बना हुआ है स्फीयर, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? आपकी K है, और K जो है वो क्या है? कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी है। और T1 T2 जो है आपका टेम्परेचर है इनर सरफेस का और आउटर सरफेस का स्फीयर की। ठीक है भाई, तो R1 R2 क्या हो गए? इनर आउटर रेडियाई हो गए, T1 T2 हो गए टेम्परेचर ऑफ इनर एंड आउटर सर्फेसेस, और K इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। देखिए, स्फेयर को डिफाइन करने के लिए हमें दो एंगल की ज़रूरत पड़ती है, दो एंगल और एक जब रेडियस होता है तभी हम किसी अपने स्फेयर को अच्छे से डिफाइन या एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर रेडियस तो हमारी आर हो गई, आर वाल, और जो दो एंगल्स हैं वो हम मान लेते हैं कि हमारा एंगल है फाई और दूसरा एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये जो पूरी जनरल कंडक्शन इक्वेशन है ये हमारी स्फेयर की हो गई, 1/r² डेल ओवर डेल आर विद इन ब्रैकेट r² डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1/r² साइन स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा डेल टी ओवर डेल थीटा प्लस ये हीट जनरेशन वाला टर्म हो गया Qgen/K इज इक्वल्स टू 1/α डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी। डेल स्मॉल टी क्या आपका टाइम है। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो हीट कंडक्शन हम मान रहे हैं क्या सिर्फ एक रेडियस के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हीट फ्लो जो हो रहा है आपका सिर्फ रेडियली हो रहा है। और जब ये रेडियली हो रहा है इट मीन्स क्या है? ये आपका वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है। और दूसरी क्या मान रहे हैं कि इस स्फीयर में कोई भी हीट जनरेशन नहीं हो रही है, विद इन जो हीट जनरेशन है वो नहीं हो रही है, इट मीन्स ये केस हमारा विदाउट हीट जनरेशन का हो गया। और तीसरा क्या कंडीशन मानेंगे कि जो आपका टेम्परेचर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये अब कंडीशन हमारी ये प्रॉब्लम स्टडी स्टेट में। तो तीन हमारे जो सेम हम लोग एजम्पशंस मानते थे पिछले हम लोगों ने जो सिलेंड्रिकल के केस में या वॉल के केस में माने थे वही सेम एजम्पशंस यहाँ भी। तीन एजम्पशंस कौन कौन से हैं? पहला आपका स्टडी स्टेट, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वन डायमेंशनल है हीट ट्रांसफर आपका वन डायमेंशन में हो रही है, और हीट जनरेशन इसमें हमने कंसिडर नहीं किया है। तो जब ये तीन एजम्पशंस मानेंगे तो ये जो पूरी आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की वो रिड्यूस होकर सिर्फ इस फॉर्म में आ जाएगी। देखिए, ये वाला टर्म जीरो स्टडी स्टेट के केस में, जब आपका विदाउट हीट जनरेशन है तो हीट जनरेशन वाला टर्म जीरो, और जब हीट ट्रांसफर सिर्फ रेडियस के लॉन्ग हो रही है तो थीटा और फाई वाले जो टर्म्स हैं ये वाला टर्म और ये टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? 1/r² डेल अपॉन डेल आर विद इन ब्रैकेट r² डेल टी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन आ गई जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन रिड्यूस होके हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से, स्पेसिफिक टू आवर प्रॉब्लम हो गई इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे? अब आप 1/r² को इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेज देंगे तो सिंपली क्या बचेगा? डेल अपॉन डेल आर विद इन ब्रैकेट r² डेल टी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए, डेल अपॉन डेल आर विद इन ब्रैकेट r² डेल टी अपॉन डेल आर इक्वल्स टू जीरो। अब जो स्टेप्स हम लोग पीछे सिलेंडर के केस में करे थे या फिर वॉल के केस में करे थे, सेम वही सारे स्टेप्स रिपीट करना है और इनको सॉल्व करते हुए चले जाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्यों करेंगे? ताकि हमें एक टेम्परेचर की एक वैल्यू मिल जाए कॉन्स्टेंट्स के टर्म में। तो जब पहले आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डेल अपॉन डेल आर हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? r² डेल टी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट C1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी भी देखिए डिफ्रेंसिएशन का टर्म है, हमें फाइनली टी चाहिए, तो आप इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसको आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? r² को आप C1 के नीचे भेज देंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगी डेल टी अपॉन डेल आर इक्वल्स टू C1/r². और फिर जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डेल टी अपॉन डेल आर क्या बचेगा? सिंपली टी, और 1/r² का जो इंटीग्रेशन है वो मत देगा -C1/r।
क्योंकि ये जब आर स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप पहले आर स्क्वायर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और ये हो जाएगा आर टू दी पावर माइनस टू और उसका इंटीग्रेशन टी इक्वल्स टू माइनस सी वन अपॉन आर प्लस, क्योंकि ये सेकंड टाइम इंटीग्रेशन हुआ है तो सेकंड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी टू। अब मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर वन हो गई। अब ये जो इक्वेशन मिली है टेम्परेचर की सी वन और सी टू के टर्म्स में, अब इसमें आप बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी हमारी, बाउंड्री कंडीशंस क्यों लगाएंगे, ताकि जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है हमारी सी वन सी टू, इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर सकें और हमें टेम्परेचर की प्रोफाइल की इक्वेशन मिल जाए। तो बाउंड्री कंडीशन इस केस में क्या है, बाउंड्री कंडीशन देखिए इस केस में क्या है कि एट आर इक्वल्स टू आर वन, जब रेडियस आपकी आर वन है तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है टी वन है, और जब रेडियस की वैल्यू आपकी आर टू है देन टेम्परेचर की वैल्यू क्या है टी टू है। तो दो बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई, एट आर इक्वल्स टू आर वन टी इक्वल्स टू टी वन, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन एट आर इक्वल्स टू आर टू टी इक्वल्स टू टी टू। ये देखिए ये दो बाउंड्री कंडीशन हो गई, एट आर इक्वल्स टू आर वन टी इक्वल्स टू टी वन एंड एट आर इक्वल्स टू आर टू टी इक्वल्स टू टी टू। अब ये दोनों बाउंड्री कंडीशन जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। तो जब पहली बाउंड्री कंडीशन आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू टी वन इज इक्वल्स टू माइनस सी वन अपॉन आर वन, आर की जगह आर वन प्लस सी टू। मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर हमारी थ्री है। उसके बाद फिर जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो टी की जगह क्या हो जाएगा टी टू हो जाएगा माइनस सी वन अपॉन आर वन, आर की जगह क्या हो जाएगा आर टू प्लस सी टू, और ये दो इक्वेशन आपकी अलग अलग मिल गई। इनको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू, जो हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली थी उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री। अब आपको जब ये दो इक्वेशंस मिल गए और यहाँ पर देखिए दो अननोन भी हैं, सी वन सी टू अननोन हैं सिर्फ दो इक्वेशंस में, तो आप इनको सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल वही पुराने स्टेप्स जो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल और वॉल के केस में किए थे, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें सी वन और सी टू की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली मैंने वैल्यूज लिखी हैं, जब आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री वी गेट द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ सी वन, वी गेट सी वन इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट टी वन माइनस टी टू आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू। ये तो हो गई सी वन की वैल्यू। अब इस सी वन की वैल्यू को आप उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन में तो वहाँ से आपको सी टू की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी टू इक्वल्स टू टी वन प्लस विद इन ब्रैकेट टी वन माइनस टी टू आर वन आर टू अपॉन आर वन ब्रैकेट आर वन माइनस आर टू। ठीक है, ये आपकी इसकी इक्वेशन मिल गई। अब इन दो जो इक्वेशंस आपको मिली हैं सी वन और सी टू, इनको आप पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन वही जो हम लोगों ने अपने जनरल इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करके फाइंड आउट की थी, वो जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर वन हमारी इक्वेशन नंबर वन थी टी इज इक्वल्स टू माइनस सी वन अपॉन आर प्लस सी टू। तो सी वन सी टू की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, जब आपने सी वन सी टू की वैल्यू पुट करी तो क्या मिल गया हमें, टी इज इक्वल्स टू माइनस विद इन ब्रैकेट टी वन माइनस टी टू विद आर वन आर टू अपॉन आर आर वन माइनस आर टू प्लस, फिर सी टू की वैल्यू आपने पुट कर दी। तो सी टू की जब वैल्यू पुट करी सी टू की वैल्यू टी वन प्लस टी वन माइनस टी टू आर वन आर टू अपॉन आर वन विद इन ब्रैकेट आर वन माइनस आर टू। तो यहाँ पर ही हमें टी की एक इक्वेशन मिल गई। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंपल फॉर्म में करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर्स के टर्म है यहाँ से आप R1 R2 को कॉमन ले लें। क्या करें, यहाँ पर से आप R1 R2 को कॉमन ले लें। जब आप डिनोमिनेटर से R1 R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो ऊपर वाले टर्म्स को देखिए सब सेम, माइनस टी वन माइनस टी टू आर वन आर टू प्लस टी वन, और इधर भी न्यूमिनेटर वाले टर्म कॉमन प्लस टी वन माइनस टी टू आर वन और आर टू। तो यहाँ पर जब आपने कॉमन लिया इसमें से तो बाहर क्या हो जाएगा आर आर वन आर टू, अब यहाँ पे आर वन था तो अपॉन वो क्या बचेगा सिर्फ वन अपॉन आर टू, यहाँ पे आर टू था तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन अपॉन आर वन। इसी तरीके से यहाँ पर भी आर वन आर वन आर टू हो जाएगा, आर वन कितना है तो यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। ठीक है भाई, अब देखिए आर वन आर टू आर वन आर टू ये दोनों इनसे क्या हो गए, ठीक है कैंसिल हो। अब फिर फाइनली ये इक्वेशन आ गई आपकी टी इक्वल्स टू माइनस टी वन माइनस टी टू वन आर अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन प्लस टी वन प्लस टी वन माइनस टी टू आर वन अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। अब जब तो ये इक्वेशन आपकी क्या मिल गई, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे इक्वेशन आपकी क्या मिल जाए। अच्छा अभी देखिए, अब इसमें से अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इस टी वन को अगर आप साइड में करें सिर्फ ये दो टर्म्स बचे हैं, टी वन ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है आपको टी वन माइनस टी टू अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, और इस टर्म में भी यही है टी वन माइनस टी टू अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, यहाँ पर से दोनों कॉमन मिल रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों टर्म में से ये पूरा टर्म कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर, और टी वन तो पहले ही सही है
तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, टी इज इक्वल्स टू टी वन प्लस, हमने बाहर कॉमन ले लिया, टी वन माइनस टी टू, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, तो सिर्फ अंदर क्या बचा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। ये आपको क्या मिल गई, ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल की एक इक्वेशन हो गई। यहाँ पर सिंपली जहाँ पर जिस स्फीयर के जिस पॉइंट पर भी, स्फीयर के जिस पॉइंट पर भी आपको टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आप सिंपली उस पॉइंट के रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आर वन आपको नोन होगा क्योंकि डायमेंशंस आपको नोन है, आर वन आर टू नोन है, इनसाइड आउटलेट का टेम्परेचर भी आपको नोन है, तो सिंपली आपको उस पॉइंट का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये तो इक्वेशन हो गई हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल की। अब अगर इसी इक्वेशन को हम डायमेंशनलेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, डायमेंशनलेस फॉर्म का मतलब क्या है, जितनी भी सेम डायमेंशंस वाले टर्म है सब एक तरफ, दूसरे सब एक तरफ, और अपर डाउन में डायमेंशंस कैंसिल हो जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी डायमेंशनलेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी वन को आप इस तरफ भेजें तो ये बन जाएगा टी माइनस टी वन, और बचा हुआ टी के टर्म कौन सा, टी वन माइनस टी टू, इसे जब इधर भेजेंगे तो इक्वल्स टू के डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या बचेगा, बनेगी टी माइनस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर वन अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पर कन्फ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर टी वन माइनस टी टू था, यहाँ पर आते आते टी टू माइनस टी वन कैसे हो गया, यहाँ पर आप माइनस सिंपल से बाहर निकालेंगे इधर, और इधर भी आप माइनस बाहर निकालेंगे, वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ समझ में आई ना बात, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये क्या बचेगा, टी टू माइनस टी वन, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लें तो क्या बचेगा, माइनस का वन अपॉन आर वन प्लस का वन अपॉन आर, यहाँ पर वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर वन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक स्टेप मैंने जंप कर दिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर इस टाइप की मिल गई। तो t माइनस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर अपॉन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, माइनस फिर कॉमन लिया तो t माइनस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू आर टू अपॉन आर विद इन ब्रैकेट आर माइनस आर वन अपॉन आर टू माइनस आर वन। ये आपकी जो टेम्परेचर प्रोफाइल मिली, ये फाइनली मिल गई हमें डायमेंशनलेस फॉर्म में। तो ये तो हमारी आधा डेरिवेशन यहाँ पर हो गया, हमें क्या मिल गया, टेम्परेचर प्रोफाइल। अब दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी कि हीट फ्लो रेट कितना हो रहा है उस स्फीयर में से। तो हीट फ्लो रेट हमें कैसे, देखिए यहाँ पर हमने जो तीन कंडीशंस लगाई हैं, एजम्पशंस माने हैं, कौन कौन से एजम्पशंस थे, तीन हमारे एजम्पशंस थे कि पहला था हमारा स्टडी स्टेट है, दूसरा विदाउट हीट जनरेशन है, और वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है। तो उस केस में हीट फाइंड आउट ट्रांसफर फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो क्या है, हमारा फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर लॉ लगाएं, क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी ओवर डी आर। ठीक है, तो माइनस के ए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर, तो डी अपॉन डी आर। अब इस टी की जगह पे ये जो टी आपका है, इस टी की जगह पे जो अभी आपने टेम्परेचर प्रोफाइल के लिए टी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ये वाली वैल्यू आप उठा के यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे, तो डी ओवर डी आर, और टी की जगह टी वन प्लस विद इन ब्रैकेट टी वन माइनस टी टू अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन विद इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए टी वन तो कॉन्स्टेंट है, तो टी वन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसको हम जीरो हो गया। अब बचा ये वाला टर्म टी वन माइनस टी टू, देखिए टी वन कॉन्स्टेंट, टी टू कॉन्स्टेंट, वन अपॉन आर टू कॉन्स्टेंट माइनस वन अपॉन आर वन कॉन्स्टेंट, यानी कि ये पूरा टर्म क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है। अब इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो वन अपॉन आर वन से जब मल्टीप्लाई होगी तो देखिए वन अपॉन आर वन भी कांस्टेंट है, और माइनस वन अपॉन आर ये वेरिएबल है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला जब वन अपॉन आर वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। सिर्फ क्या बचेगा आपका, टी वन माइनस टी टू अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी आर मल्टीप्लाई बाई माइनस वन अपॉन आर, बाकी सारे टर्म्स तो डिफरेंशिएशन उनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब माइनस वन अपॉन आर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर, क्यू क्यू इक्वल्स टू माइनस के फोर पाई आर स्क्वायर टी वन माइनस टी टू वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए कि आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा, क्यू इक्वल्स टू माइनस के फोर पाई टी वन माइनस टी टू अपॉन विद इन ब्रैकेट आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर टू, जो कि हमें फाइनली देगा, अगर आपके फोर पाई के को नीचे भेज दिए तो क्या बचेगा, इसको आप थर्मल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट कर लें, अरेंज कर लें, तो क्या बचेगा, टी वन माइनस टी टू अपॉन आर टू माइनस आर वन अपॉन फोर पाई के आर वन आर टू। तो अगर इसको आप कंपेयर करें थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, या फिर थर्मल रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि हाइएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर
अपॉन आर टोटल या फिर आर थर्मल। तो इससे जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द केस ऑफ स्फीयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी एच इज इक्वल्स टू सिंपली आर टू माइनस आर वन अपॉन फोर पाई के आर वन आर टू। तो यहाँ पर ये थर्मल रेजिस्टेंस की स्फीयर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो डेरिवेशन था वो काहे का डेरिवेशन था, आपका हीट कंडक्शन इन अ हॉलो स्फीयर। तो इससे पहले हम लोगों ने किस में हीट कंडक्शन पढ़ा था, हीट कंडक्शन इन अ सिलेंड्रिकल वॉल, और दूसरा जो हीट कंडक्शन पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था हीट कंडक्शन इन अ सिंपल वॉल या फिर प्लेन वॉल। तो आज ये हीट कंडक्शन हमारे प्लेन वॉल, सिलेंड्रिकल वॉल और स्फीयर के लिए कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आते हैं आपके कौन से स्फीयर, मल्टी लेयर्ड सिलेंड्रिकल शेल या मल्टी लेयर्ड स्फीयर, या फिर मल्टी लेयर्ड को हम बोल सकते हैं कंपोजिट वॉल, कंपोजिट सिलेंडर्स या फिर कंपोजिट स्फीयर। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंपोजिट वाले पार्ट को भी अपना कवर करेंगे। देखिए सिंपली कंपोजिट कैसे बनते हैं, कंपोजिट में क्या होता है कि यहीं आकर आपका मान लेते हैं कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। तो कंपोजिट में क्या होगा, कंपोजिट में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी होगी किसी दूसरे मटेरियल की। अब सपोज करिए कि ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है जो ए मटेरियल से आपका बना हुआ था, ठीक है, ये हॉलो है अंदर से और इसमें आपका हॉट फ्लूड फ्लो हो रहा है। अब हमने क्या करा कि उसके ऊपर एक बी मटेरियल की एक लेयर और चढ़ा दी सिलेंडर की। अब वो लेयर वो इंसुलेशन की हो सकती है, इंसुलेशन के पर्पस से चढ़ाई हो या किसी भी पर्पस से आपने चढ़ाई हो। तो एक दूसरी लेयर आपने जो बी मटेरियल की चढ़ा दी, तो अब ये सिंपल सिलेंडर से क्या बन गया, आपका कंपोजिट सिलेंडर का केस बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो लेयर्स होंगे, दो डिफरेंट मटेरियल की लेयर, पहला मटेरियल हमने मान लिया ए है, दूसरा मटेरियल हमने मान लिया बी है। अब इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और उस हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है, टी एच है, और बाहर जो है बाहर कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है, ग्रीन इसके ऐसा जो मैंने शो किया है टी सी। तो यहाँ पर टी एच क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर, टी सी क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड आउटसाइड द सिलेंडर, और ए और बी डिफरेंट मटेरियल है तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ भी अलग अलग होंगी। तो के ए के बी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटीज़ होगी इन मटेरियल्स की, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ मान लेते हैं, सपोज L इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, T1, T2, T3 ये क्या होगा, T1 और T2 क्या होगा, ये आपके टेम्परेचर हो गया, T1 इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर हो गया, T2 इंटरफेस का टेम्परेचर हो गया, T3 आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर हो गया सिलेंडर की, TH हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हो गया, TC कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हो गया। अब देखिए जब यहाँ पे हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर फ्लूइड और सॉलिड की इंटरफेस बनेगी, इट मीन्स यहाँ पे कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफर होगा। तो कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कन्वेक्शन कांस्टेंट चाहिए होगा, हीट ट्रांसफर कांस्टेंट कोफिशिएंट चाहिए होगा। तो हॉट फ्लूइड का हम मान लेते हैं, हॉट फ्लूइड साइड में जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो कितना है, एच ऑफ एच एफ हॉट फ्लूइड, और इस तरफ क्या है, एच ऑफ सी एफ, सी एफ मतलब कोल्ड फ्लूइड। तो ये तो इसकी ज्योमेट्री थी। अब और जो इनसाइड सरफेस है वहाँ पर की रेडियस है R1, जो इंटरफेस है ए और बी का वहाँ की रेडियस है R2, और जो आउटर मोस्ट सरफेस है सिलेंडर की उसका रेडियस है R3। तो अब देखिए इन शॉर्ट तो क्या हम आपको एक छोटी सी लाइन में ये बता सकते हैं कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो फॉर्मूला आप अगर थर्मल रेजिस्टेंस वाला ही लगाएं तो उससे ही सिंपली काम हो जाएगा हमारा। कैसे काम चल जाएगा, देखिए जैसे ये फॉर्मूला था मैंने बताया था Q=T1 - T2 / RTH। अब यहाँ पर देखिए जो हॉट जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर कितना होगा, जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर होगा TH, और मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर होगा TC। तो TH माइनस TC अपॉन इन तीन जगह पर का थर्मल रेजिस्टेंस, चार का सॉरी, एक तो ये कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस यहाँ पर का, फिर ये कंडक्शन का रेजिस्टेंस, फिर अगेन बी मटेरियल के लिए कंडक्शन का रेजिस्टेंस, और कोल्ड फ्लूइड का कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस। तो उनका सबका टोटल अपॉन आर टोटल ये आपका फाइनली वैल्यू निकल के आएगी। ये तो हमने आपको बता दिया किस तरीके की वैल्यू निकलेगी, मगर ये कैसे निकलेगी, क्या होगा, वो अब हम आपको डेरिवेशन में छोटा सा बताएंगे। बहुत ही आसान सा छोटा सा डेरिवेशन है ये कि सपोज करिए सबसे पहले जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो हॉट फ्लूइड से हो रहा है, कहाँ पर, ये सिलेंडर की इनर मोस्ट सरफेस पर। अब यहाँ पर देखिए फ्लूइड और सॉलिड दो हैं, और इंटरफेस पर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किससे होता है, कन्वेक्शन से होता है। तो कन्वेक्शन का जो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, Q=HA∆T। तो H क्या होगा यहाँ पे, हॉट फ्लूइड का H ऑफ HF। एरिया क्या होगा, एरिया होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया, सपोज करिए ये सिलेंडर है तो इसका ये पूरा जो सरफेस एरिया है वो होगा, और ये क्या हो जाएगा 2πRL।
और रेडियस क्या है, यहाँ पर आर वन है तो 2 पाई आर वन एल, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, टी एच से टी वन, यहाँ तक हीट ट्रांसफर हो रहा था, टी एच माइनस टी वन, ये क्या हो गई, क्यू कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, ये हीट यहाँ तक आ गई। अब यही हीट जो है वो इस टी वन और टी टू के बीच में भी फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर टी वन और टी टू के बीच में भी टेम्परेचर डिफरेंस है, ड्राइविंग पोटेंशियल मिल रहा है हीट को, तो फिर टी वन से टी टू के बीच में हीट फ्लो होगी। अब ये क्या है, पूरा सॉलिड है, तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है हमारा फोरियर लॉ की वजह से, ठीक है। और फोरियर लॉ की वजह से जो सिलेंडर में हीट ट्रांसफर होता है उसका हम लोग वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर किसी को थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वो होता है क्यू इज इक्वल टू के 2 पाई एल टी1 माइनस टी2 अपॉन नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1, ठीक है। ये हो गया टी वन। अब इसी तरीके से टी टू से वही हीट टी टू से टी थ्री भी जाएगी, तो वही क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, के एक ही जगह पे के भी हो जाएगा, 2 पाई एल टी1 से यहाँ पे टी टू हो रही, तो यहाँ से टी टू माइनस टी थ्री अपॉन नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 अपॉन R2। ये देखिए क्यू इज इक्वल टू के बी 2 पाई एल टी2 माइनस टी3 अपॉन नेचुरल लॉग R3 अपॉन R2। अब अगेन यहाँ पर से जो हीट आई है बाहर, क्योंकि कोल्ड फ्लूड फ्लो हो रहा है, अब वही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर कोल्ड फ्लूड में चली जाएगी, और फिर अगेन यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। तो अब एच सी एफ टू, अब क्या हो जाएगा, जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो बनेगा रेडियस R3 के हिसाब से, वो क्या बनेगा, रेडियस R3 के हिसाब से बनेगा आपका 2 पाई R3 L T3 माइनस TC, ठीक है। तो ये चार हमें हीट ट्रांसफर मिल गया, सबसे पहले हॉट फ्लूड से गई इनर सरफेस तक, फिर इनर सरफेस से आपका इंटरफेस पे आई AOB मटेरियल की, फिर इंटरफेस से T2 से T3 तक गई, फिर T3 से आपका अगेन कन्वेक्शन हो गया। अब आप इन सबको क्या कर लें, टेम्परेचर के टर्म्स में रीअरेंज कर लें। तो जब आप पहले को रीअरेंज करेंगे कन्वेक्शन वाले को, तो कन्वेक्शन वाले को जब टेम्परेचर के उसमें इक्वेट करेंगे, टेम्परेचर दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वेशन इक्वल्स टू के, तो क्या बनेगा, TH माइनस T1 इक्वल्स टू Q अपॉन H ऑफ HF 2 पाई R1 L। ये क्या बन जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाई, या फिर Q अपॉन KA 2 पाई L अपॉन नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1। इसी तरीके से T2 माइनस T3 बन जाएगा Q अपॉन KB 2 पाई L अपॉन नेचुरल लॉग R3 अपॉन R2, और ये बन जाएगा आपका T3 माइनस TC इज इक्वल टू Q अपॉन H ऑफ CF 2 पाई R3 L। ये बन गया, ठीक है। तो इनको हमने चार इक्वेशंस भी ली, इनको हमने नाम दे दिया 1, 2, 3, 4। अब आप इन चार इक्वेशंस को ऐड कर दें, जब आप इन चार इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए TH माइनस T1 T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस TC, T1 माइनस का प्लस का T1 T2 माइनस का प्लस का T2 T3 माइनस का प्लस का T3, तो T1 T2 T3 आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा आपका TH माइनस TC इज इक्वल टू Q, और विद इन ब्रैकेट ये वाले टर्म्स, क्यू देखिए सेम था तो क्यू तो आपने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन 2 पाई एल एच ऑफ एच एफ आर वन प्लस 1 अपॉन 2 पाई एल के ए नेचुरल लॉग आर टू अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन 2 पाई एल के बी नेचुरल लॉग आर थ्री अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन 2 पाई एल एच एफ एच सी एफ आर थ्री। अच्छा, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो 2 पाई आर वन एल, ये क्या है, 2 पाई आर वन एल, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, तो A1 हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ इनर मोस्ट सरफेस एरिया, इनर मोस्ट सरफेस का सरफेस एरिया हो गया, तो 1 अपॉन H ऑफ HF A1 प्लस 2 पाई एल के अपॉन नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1 प्लस 2 पाई एल के अपॉन नेचुरल लॉग R3 अपॉन R2 R3 R3 अपॉन R2 सॉरी प्लस 1 अपॉन 2 पाई एल R3। अब ये जो एरिया बन गया ये आउटर मोस्ट सरफेस का सरफेस एरिया बन गया, 1 अपॉन HCF A3, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है ये आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का हो गया, ये सिलेंडर का जो फर्स्ट लेयर है उसका रेजिस्टेंस हो गया थर्मल रेजिस्टेंस, ये सिलेंडर का जो सेकेंड लेयर बी मटेरियल की लगी हुई उसका थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, ये जो हो गया आपका कन्वेक्शन का जो कोल्ड फ्लूड में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका रेजिस्टेंस हो गया। तो फाइनली हमारा आर टोटल क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन H ऑफ HF1 A1 प्लस नेचुरल लॉग R2 अपॉन R1 2 पाई एल के प्लस नेचुरल लॉग R3 अपॉन R2 2 पाई एल के बी प्लस 1 अपॉन H ऑफ CF और A3। तो ये आपका आर टोटल हो गया, जैसे मैंने कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपोजिट स्फीयर के केस में या फिर कंपोजिट सिलेंडर के केस में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर अपॉन आर टोटल, और आर टोटल जो है टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा,
जितना भी आपका हीट फ्लो हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, उनका रेजिस्टेंस, पहला कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस, देन मटेरियल ए के लिए थर्मल रेजिस्टेंस, देन मटेरियल बी के लिए थर्मल रेजिस्टेंस, देन कोल्ड फ्लूड के लिए कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र करा कंपोजिट स्फेयर का, और हीट ट्रांसफ़र कंपोजिट सॉरी हीट ट्रांसफर हम लोगों ने पढ़ा किसके लिए, स्फेयर के लिए, सिंपल स्फेयर के लिए, आई एम रियली सॉरी कंपोजिट स्फेयर बोला मैंने, हीट ट्रांसफर हम लोगों ने स्फेयर के लिए पढ़ा। और फिर दूसरा हम लोगों ने देखा हीट ट्रांसफर इन अ कंपोजिट सिलेंडर। ऐसे ही अगर स्फेयर का केस भी होगा तो स्फेयर में भी क्या हो जाएगा, सिर्फ सबसे पहले कन्वेक्शन कॉन्स्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए मटीरियल के लिए, अब यहाँ पर तो देखिए सिलेंडर का हमने लिखा था, तो अब ये सिलेंडर की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, स्फेयर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो भी हम लोगों ने स्फेयर का थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2, ये आ जाएगा। ऐसी फिर बी मटेरियल के लिए आ जाएगा, क्या हो जाएगा बी मटेरियल के लिए, R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई के R1 R3 R2 प्लस 1 अपॉन SCF A3, ठीक है, इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड आउट करी, हीट कंडक्शन इन अ हॉलो स्फेयर और कंपोजिट सिलेंडर गैस। अगर इस डेरिवेशन में आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कहीं पर भी कोई पॉइंट मिस हुआ हो मुझसे, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।